कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल पर भ्रष्टाचार के 9 आरोप लगे हैं। सीकेएस ने प्रेस वार्ता में दस्तावेजों के साथ खुलासा किया है। सीएम से कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कुलपति पाटिल के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 9 आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। यह आरोप दस्तावेजी खुलासे के साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने लगाया है। क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रेस वार्ता कर डॉक्टर पाटिल के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने लगातार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उनके खिलाफ ढेरों शिकायतें हैं, उन पर जांच भी हुई, मामला कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन फिर भी सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। क्रांति सेना ने पाटिल पर जो आरोप लगाए हैं उनमें से चेकबुक से 1.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, वाहन खरीदी में कमीशनखोरी, ये वो सभी बिंदु हैं जिसकी जानकारी करीब 50 पेज के दस्तावेजों में अमित बघेल ने बताया है कि किस तरह से पाटिल ने भ्रष्टाचार किया है। प्रगति कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलीभगत, 1300 सीटर ऑडिटोरियम निर्माण फर्जीवाड़ा, प्रशासनिक भवन निर्माण में चहेतों को काम, बिलासपुर और अंबिकापुर में 4 सीटर सभागार निर्माण में घोटाला, अंबिकापुर में महाविद्यालय भवन निर्माण में करप्शन, चहेते उपयंत्री के साथ सुनियोजित भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालय परिषद में कांक्रीट सड़क निर्माण फर्जी भुगतान, सहायक प्राध्यापक सहित अन्य पदों की नियुक्ति में अनियमितता। अमित बघेल का कहना है कि नवंबर 2011 में जब पहली बार उन्हें कुलपति बनाया गया था तभी कई मामले सामने आए थे। उनके खिलाफ तत्कालीन राज्यपाल ने जांच के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर विशेष लेखा परीक्षा कराया गया जिसमें करोड़ों की अनियमितता सही पाई गई। इसके बाद तत्कालीन वित्त सचिव अजय सिंह को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2016 में तमाम आरोपों के बावजूद उन्हें दूसरी बार वीवी का कुलपति बना दिया गया। बघेल का कहना है कि पाटिल के खिलाफ मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट के आदेश के बाद तेलीबांधा थाने का कुलपति सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR का निर्देश भी जारी हुआ था। अमित बघेल मुख्यमंत्री से मांग की है कि पाटिल को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।